जादुई लहंगे की बारिश। शहर से दूर समस्तीपुर नामक गांव में तान्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। तान्या के माता पिता गांव से बाहर हाईवे वाले रास्ते पर एक होटल में साफ सफाई का काम किया करते थे, इसी से उनका गुजारा हो रहा था। गरीब होने के बावजूद भी राम और आशा अपने दोनों बच्चों को कोई भी कमी महसूस नहीं होने दिया करते थे। उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया करते और उनको अच्छी शिक्षा भी दिया करते। तान्या एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह अपने माता पिता और छोटे भाई राहुल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। बस उसमें एक ही खराबी थी, उसे हर तरह के नए नए लेटेस्ट डिजाइन के लहंगे बहुत ही ज्यादा पसंद थे। वह हमेशा अपने माता पिता से जिद करके लहंगा खरीद लिया करती। उसकी इस आदत से उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान थे। माँ, आज ना मैंने बाजार में बहुत ही सुंदर सा लहंगा देखा है, आप मुझे वो लहंगा दिला दो ना। तान्या, तू इतने सारे लहंगों का क्या करेगी? पहले से तेरे पास इतने सारे लहंगे हैं, तो उन्हें तो यूज करती नहीं। माँ, मैं आपसे लहंगों के अलावा और मांगती ही क्या हूँ? ना ही मैं आपसे कोई खाने में फरमाइश करती हूँ और ना ही मैं कहीं घूमने जाती हूँ। मेरी पढ़ाई भी इतनी अच्छी है कि हर साल मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिस वजह से आपको स्कूल की फीस भी नहीं भरनी पड़ती। माँ, प्लीज माँ, मुझे वो लहंगा दिला दो ना। देख मेरी बच्ची, मैं तुझे वो लहंगा नहीं दिलवा सकती। इस महीने घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो फिर कभी ले लेना। नहीं माँ, मुझे वो लहंगा चाहिए तो चाहिए, आपको मुझे वो लहंगा दिलाना ही होगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही स्कूल जाऊंगी। ठीक है, अगर खाना नहीं खाना तो मत खा, जब भूख लगेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तान्या ने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। उसके माता पिता उसके पास खाना लेकर आते हैं और कहते हैं, तान्या मेरी बच्ची, इतनी जिद ठीक नहीं है, कल को अगर तेरी शादी हो जाएगी तो क्या अपने ससुराल में भी तू ऐसे ही करेगी? माँ, की शादी वादी की बात मुझसे मत करो, अगर आपको लहंगा दिलाना है तो बात करो, नहीं तो आप लोग मेरे रूम से जा सकते हो। ठीक है तान्या, अगर तुझे लहंगा ही चाहिए तो ये ले पैसे, जाकर ले लियो लहंगा, अब तो खा ले खाना। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, अब मैं कल बाजार जाकर बहुत ही सुंदर सा लहंगा लेकर आऊंगी। दूसरे दिन तान्या अपनी सहेली नेहा और रोमी के साथ बाजार चली जाती है और आपस में बातें करने लगती हैं। तान्या, तुम क्या लेने वाली हो आज? मैं तो अपने लिए बहुत सुंदर सा लहंगा खरीदने वाली हूँ। अरे तान्या, तेरे पास तो इतने सारे लहंगे हैं, कुछ नया ट्राई कर ले। नहीं, मुझे तो लहंगों का ही शौक है और मुझे अपने लहंगों से बहुत ज्यादा प्यार है। भला लहंगों से भी कौन प्यार करता है, तू तो बिल्कुल पागल है। इतने में ही नेहा बोलती है, तुझे क्या हो रहा है? उसे लहंगों का शौक है, उसे उसके शौक पूरे करने दे। तू ये बता, तू क्या ले रही है? मैं तो कोई सुंदर सी ड्रेस लेने वाली हूँ। इसके बाद सभी सहेलियाँ मॉल से बाहर आ जाती हैं, लेकिन तान्या उदास थी क्योंकि उसे उसकी पसंद का लहंगा पूरे मॉल में कहीं नहीं मिलता है। तान्या की दोस्त नेहा बहुत ही ज्यादा चालाक और तेज लड़की थी। ये देखकर वो मन में सोचती है, क्यों ना मैं तान्या से बहुत सारे पैसे ऐंठ लूं, ये तो वैसे भी लहंगों के पीछे पागल है। ये सोचकर वे फिर तान्या से बोली, अरे तान्या, तो टेंशन मत ले, मेरा भाई अहमदाबाद में ही काम करता है और वह एक लहंगों की फैक्ट्रियों में ही काम करता है। मैं उससे बोलकर तेरे लिए एक लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा मंगवा दूंगी, पर हाँ, लहंगा थोड़ा महंगा होगा। ठीक है नेहा, चाहे लहंगा कितने रुपए का भी हो, तुम मुझे बस ला कर दे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। कुछ दिनों बाद नेहा एक सस्ता सा लहंगा तान्या को ला कर दे देती है। ये ले मेरे प्यारी दोस्त, मैंने तेरे लिए लेटेस्ट डिजाइन का लहंगा मंगवा दिया है। अरे वाओ, ये कितना सुंदर लहंगा है। अरे होगा क्यों नहीं, ये पूरे 25,000 का है, 25,000 का। क्या, 25,000 का? नेहा, तुम थोड़े पैसे कम नहीं ले सकती हो? अरे तान्या, तू पैसे क्यों देख रही है, ये देखना, ये करीना वाला लहंगा है, इसको पहनकर तो पूरी करीना लगेगी। अगर फिर भी तुझे ये लहंगा नहीं चाहिए तो मेरी और भी दोस्त हैं जो इस लहंगे को खरीदने के लिए मुझे पूरे 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, पर मैं उन्हें छोड़कर तुझे ये लहंगा दे रही हूँ,
और तुझे इसमें भी ज्यादा ही लग रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, ये ले 25,000 रुपए और तू ये मुझे लहंगा दे दे। इसके बाद तान्या उस लहंगे को लेकर अपने रूम में जाती है। नेहा उसके इतने सारे लहंगों को देखकर हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, अरे वाह कितने सारे लहंगे हैं, क्यों ना मैं इसमें से एक लहंगा उठा लूं, इससे कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे तान्या तो बहुत ज्यादा मतलबी है, मैं तेरे घर इतने देर से आई हूँ, तेरे लिए इतना अच्छा लहंगा लेकर आई, पर तू है कि चाय नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, अभी तक एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा तूने। उफ सॉरी, मैं तेरे लिए अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तान्या नाश्ता लेने के लिए चली जाती है, तभी नेहा एक लहंगा उठाकर अपने बैग में डाल लेती है और बाजार में जाकर उस लहंगे को बेच देती है। देखो देखो मेरे पास कितने सारे पैसे आ गए हैं, अब एक एक करके उसके सारे लहंगे बेच दूंगी। अगले दिन फिर नेहा चुपके से तान्या के घर जाकर एक लहंगा उठा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तान्या को लगने लगता है कि उसके लहंगे कम होने लगे हैं। मेरे सारे लहंगे कहाँ जा रहे हैं, आखिर वो कौन है जो मेरे लहंगों को चुरा रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन फिर नेहा लहंगा चुराने के लिए आती है, लेकिन तान्या चुपके से सब कुछ देख रही थी और नेहा को लहंगा चुराते हुए देख लेती है। अच्छा तो वो तू थी जो मेरे लहंगों को चुरा रही थी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती मेरे लहंगों को चुराते हुए। मुझे माफ कर दे तान्या, मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तू झूठ बोल रही है, मैंने कल ही तेरे पिताजी को देखा था, वो बिल्कुल ठीक थे, तेरी जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, एक तो खुद चोरी करती है ऊपर से अपने पिताजी का ही नाम बदनाम करती है। ये कहकर तान्या नेहा को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइयो मुझे। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगी। नेहा गुस्से में अपने घर आ जाती है। होटल वाली की बेटी की इतनी हिम्मत कि वो अब मुझ पर हाथ उठा रही है, बहुत घमंड है ना उसे अपने लहंगों पर, अब देखना मैं उसके सारे लहंगे चुरा लूंगी। कुछ दिनों बाद तान्या अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए चली जाती है, तभी नेहा पीछे से आकर उसके सारे लहंगे चुरा लेती है। और जब तान्या घूमकर आती है तो अपने लहंगों को ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। माँ इधर आओ, माँ देखो ना मेरे सारे लहंगे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं तेरा क्या मतलब है, ठीक से देखो तुम्हारे रूम में ही होंगे। माँ एक लहंगा थोड़ी ना था, इतने सारे लहंगे थे पर अब एक भी रूम में नहीं है। इसका मतलब हमारे घर में चोरी हुई है, पर इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है। चल तू फिकर मत कर, मैं और तेरे पिताजी और मेहनत करके तुझे इससे भी अच्छे अच्छे लहंगे दिलवा देंगे। ठीक है माँ, पर अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इसके बाद तान्या पार्क में जाकर खूब रोती है, तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ तान्या, तुम इतनी ज्यादा रो क्यों रही हो। तान्या परी को अपनी सारी बातें बताती है। इसके बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर लहंगों की बारिश कर देती है। तान्या मुझे पता है कि तुम्हें लहंगे कितने ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लहंगों की बारिश कर दी है, अब तुम्हें जितने भी लहंगे चाहिए तुम ले सकती हो। सुंदर सुंदर लहंगों को देखकर तान्या बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सारे लहंगे को बैग में डाल लेती है। परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हाँ तान्या, पर आप तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। परी तान्या को उसके माता पिता के पास ले जाती है, जहाँ पर वे दोनों काम कर रहे थे। देखो तान्या, तुम्हारे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रह सको, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो सके, और एक तुम हो कि उन लहंगों के पीछे पैसे वेस्ट करती रहती हो जबकि तुम उन लहंगों को पहनती तक नहीं, तो बताओ क्या ये सही है। अपने माता पिता को इतनी कड़क धूप में मेहनत करता हुआ देख तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह परी से कहती है, हाँ परी जी मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे माता पिता इतनी मेहनत करके हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और मैं उन लहंगों के पीछे इतने सारे पैसे वेस्ट कर देती थी,
पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इसके बाद तान्या एक लहंगों की दुकान खोलती है और उन लहंगों को बेचकर अपने माता पिता की मदद किया करती और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।